म्यूजियम के ही साथ म्यूजियम का गार्डन है। ये छोटा ये गार्डन जो कि आपको रिवर में मैंने किनारे दिखाया था, और ये गार्डन का फ्रंट व्यू छोटा सा ही है। दिस इज़ यॉर्क ऑब्जर्वेटरी, बट स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो बिल्कुल अपने इंडियन मंदिर की तरह लग रहा है, भारतीय मंदिरों जैसा। काफ़ी फैला हुआ है। कभी आपको इंडिया में भी टाइम मिले तो मुगल गार्डन, राष्ट्रपति भवन में जो है आज भी उसे मुगल गार्डन बोलते हैं, दैट इज़ अ गुड गार्डन टू एक्सप्लोर। मुझे एक बार मौका मिला था ऑफिशियल विजिट का तो उसे देखा। ये पुरानी पुरानी दरवाजे और इमारतें बहुत पुराने हैं। स्टोरी टेलिंग सेंटर बहुत अच्छा है, जैसे हमारे गुरुकुल पुराने ज़माने में दिखाए जाते थे, और मेरा बेटा बोल भी रहा है कि उसके फॉरेस्ट स्कूल में ऐसे ही कुछ बनाते हैं। तो आप यहाँ देखो पेड़ की छांव में बैठ के स्टोरी टेलिंग, नेचुरल होम। वृक्षों की खासियत होती है कि हमें सर्दी गर्मी बरसात सबसे बचा लेते हैं। ये देखिए ऊपर से हट के आकार के पेड़ हैं। ये गार्डन का पीछे वाला पार्ट कवर कर रहा हूँ, आप ट्री देख सकते होंगे। ये ट्री बिल्कुल क्रिसमस ट्री जैसा लग रहा है। एंड देन मूविंग टूवर्ड्स, ये वेरी ओल्ड ट्रीज हैं। ये देखो ये पेड़ बहुत पुराने, अच्छे से रख रखाव के साथ है। और अब ये दीवारें देखो, दीवारें बोल उठेंगी। द बेस्ट पार्ट इज आर्किटेक्चर, सो इफ यू सी देर आर नो ब्रिक्स, एवरीथिंग इज मेड विद स्टोन्स। देखो पत्थर काट के पत्थरों से जोड़े गए हैं। वार्निंग है, डू नॉट क्लाइम दिस वॉल। किसी ज़माने में ये मजबूत दीवार रही होगी कैसल को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको सिटी वॉल दिखाई हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर में। सब देखिए वही, अच्छा फोर्ट के जो हैं ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर सेम जैसे होते हैं। आप हमारे राजस्थान में देखेंगे जितने भी फोर्ट हैं वो चेक कर लीजिए। ग्वालियर का फोर्ट भी बहुत फेमस है, ग्वालियर का किला, और ये स्ट्रक्चर लगभग मोर और लेस सेम होते हैं। ये 360 डिग्री व्यू आपको दिखा दे रहा हूँ।